Good morning everyone. How are you? I think you all are doing well. So today we are going to continue our second chapter, A Gift of Chappals, जो हमने हमारी previous class में दो lecture में हम पढ़ चुके हैं इस chapter के बारे में. आज भी हम यही chapter continue करेंगे because this chapter is very lengthy, बहुत लंबा chapter है और हमें इसको समझने में थोड़ा time लगेगा. So we are going to start with the पैराग्राफ हमने कर लिया था पेज नंबर 22 और हम थे पैराग्राफ नंबर 4 पे. वी आर ऑन दी पैराग्राफ 4 जहां पर मृदु और जो उसकी दादी थी, मृदु की जो दादी थी उन्होंने कहा था कि ये जो बैगर है इसको यहां से भगा दो या यहां से भेज दो. इट इज हाई टाइम फॉर हिम टू फाइंड अ न्यू हाउस. उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इसके लिए एक नया घर ढूंढने का टाइम है ताकि ये वहां जाकर क्या मांग सके, भीख मांग सके. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 4 ऑन पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 का पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करेंगे. मृदु एंड मीना फॉलोड आउट. मृदु और मीना बाहर गए. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हरसेल्फ क्वाइट एट होम. और वो जो ऑलरेडी जो भिखारी था वो ऑलरेडी गार्डन में था और उसने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया था गार्डन में ही. He had spread his upper cloth under the neem tree. वहां पर एक नीम का ट्री था तो उसने अपना जो ऊपर जो कपड़ा पहना हुआ था अपर क्लोथ उसे वहां पर बिछा लिया था जाकर. And was leaning against its trunk. और वहां पे आराम से जो पेड़ का ट्रंक होता है, तना होता है, उस पर जाकर he was leaning there, आराम से लेटा हुआ था वहां पर. Apparently prepared a little to take a little snooze while he waited for the ants to appear. और वहां पर आराम से एक स्नूज होता है छोटी हल्की झपकी लेना, वहां पर झपकी ले रहा था कि तब तक कोई अंदर से आ नहीं जाता उसे भीख देने के लिए. Go away, said Ravi sternly. रवि ने गुस्से से sternly कहा, firmly कहा, go away, यहां से जाओ, go away. My party says it is time you found another house to beg from. मेरी पार्टी ने कहा है कि अब तुम्हें दूसरा घर यहाँ से ढूंढ लेना चाहिए. To beg from, भीख मांगने के लिए अब तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो बैगर था वो एकदम से शॉक हुआ और वो खड़ा होकर एक एक बच्चे को अपनी आंखों को बड़ी करके देखने लगा. He was trying to look at the each and every child there. हर एक बच्चे को वो वहां पर देखना देख रहा था. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. अब उसकी जो थोड़ी देर तो उसको अजीब सा लगा, उसके बाद उसका गला क्या हो गया, थोड़ा उसकी फीलिंग्स रुआसा हो गया. वो अगर हिंदी लैंग्वेज में देखें तो वो रुआसा हो गया ये जानकर कि अब मुझे यहां से कोई भी भीख नहीं मिलेगी. राइट, आर वेरी काइंड सोल. तो वो कहने लगा यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, दयालु है. यहाँ की औरतें क्या है, बहुत ही ज्यादा दयालु है. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैंने पूरे हफ्ते अपनी जो बॉडी है वो इनके दयालुता के कारण ही सर्वाइव किया है, क्योंकि मुझे यहाँ से भीख मिलती थी उसके बाद ही मुझे कुछ खाने को मिलता था और मैं आराम से कुछ खा पाता था. इसीलिए यहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, दयालु है. I cannot believe that they would turn me away. मुझे believe ही नहीं हो रहा है. The beggar was not believing on this thing. उससे इस बात पे believe ही नहीं हो रहा था कि जो इस घर की जो ladies है उन्होंने उसे भगा दिया है, उसे क्या कर दिया है, वहां से भेज दिया है. He raised his voice. और ये बोलते हुए उसकी जो आवाज थी वो तेज हो गई. उसकी जो आवाज थी वो क्या हो गई, तेज हो गई. अम्मा ओ अम्मा, अगेन वो आवाज लगाने लगा. अम्मा ओ अम्मा, सेड हिज वेल माइट बी, जो उसकी पुकार, वेल का मतलब होता है उसकी जो पुकार है, शायद वो लोग सुन ले उसकी पुकार. बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीवल, बट उस फीवल होता है वीक, बट जो उसकी आवाज थी वो वीक बिल्कुल भी नहीं थी. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज रीदर्ड बैली. रीदर्ड बैली होता है खाली पेट, भूखे पेट.
जो उसकी आवाज है वो उसके भूखे पेट से आ रही थी, क्योंकि वो भूखा था, बेगर था। दे यूजुअली क्या करते हैं, भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उन्हें भीख नहीं मिलती है तो दे डू नॉट ईट फॉर द होल डे और फॉर टू कपल ऑफ डेज, राइट। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेट ब्राउन विथ बीटल चूइंग। और जो उसके दांत थे वो कैसे हो रखे थे। एंड ही वॉज आस्किंग अगेन अगेन एंड अगेन फॉर दी फूड। और जो उसके दांत थे देवर स्ट्रेन्ड विथ बीटल चूइंग। बीटल क्या होती है, सुपारी। बीटल नट क्या होती है, सुपारी। तो सुपारी खाने की वजह से उसके दांत एकदम पीले, या फिर हम कहेंगे ब्राउन। यूजुअली जो लोग बीटल नट या इस तरीके का कोई चीज खाते हैं तो उनके दांत ब्राउन हो जाते हैं। इन द सेम मैनर उसके भी दांत बहुत ही ज्यादा ब्राउन थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। पीछे से रुकुमनी जो बैकयार्ड में बैठी थी उन्होंने आवाज लगाई, रवि इसे कह दो आज किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। And he had not to come here again. Tell him that he sounded fed up. Fed up होता है परेशान हो जाना। परेशान होकर उन्होंने कहा कि इसे बोल दो अब यहाँ नहीं आना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसे देने के लिए। I will go. He said wearily. Only let me have a rest here under this tree. तो उसने कहा ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। The beggar said that I will go from here. बट लेट मी रेस्ट फॉर यहाँ पे फॉर वन आवर एटलीस्ट। या उसने कहा कि मुझे यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने दो फॉर सम टाइम। द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। तो जो सन है वो बहुत ही, जो धूप है वो बहुत तेज है, और जो तार जो रोड पर बिठाई जाती है डामर वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों पे ऑलरेडी ब्लिस्टर। ब्लिस्टर होते हैं छाले। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, छाले। तो मेरे पैरों पे ऑलरेडी छाले हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। बेयर फीट होता है नंगे पैर। उसने जैसे ही अपने पैर दिखाए उसके पैरों पे पिंक या पिंकिश कलर के छाले हो रहे थे, और उसमें से म्यूकस या नहीं होता है, पस वॉज ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम दैट। उसके पैरों से बड़े बड़े छाले थे उसके पैरों में। I suppose he does not have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना and रवि। whisper करना होता है धीरे से बड़बड़ाना या धीरे से कुछ बोलना। तो मृदु ने कहा मीना and रवि को कि हम, मुझे ऐसा लगता है इसके पास, बहुत ही धीरे whisper करते हुए, कि इसके पास पैसे नहीं है शायद खरीदने के लिए। Have you get an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास कुछ कोई पुराना पेयर रखा है, पुरानी जोड़ी रखी है। होता है ना कि हम पुरानी जो चप्पलों की जोड़ी होती है वो किसी गरीब को दे देते हैं ताकि उसके काम आ जाए, जिनसे हमारा मन भर जाता है या फिर वो पुरानी हो जाती है। तो मृदु ने पूछा कि क्या आपके पास कोई रखी है। I don't know, said रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I had have given them to him. मेरी जो चप्पल है वो इसके बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी छोटी है, अदरवाइज मैं इसको अपनी चप्पल दे देता, रवि ने कहा। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना। वो तो छोटे बच्चे थे, मृदु हो चाहे मीना हो चाहे रवि हो, इन सबकी चप्पल उसे फिट आती ही नहीं, क्योंकि उसके पैर बहुत ही ज्यादा क्या थे, बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग अप हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अपनी जो अपर क्लोथ और टाइट अपनी धोती को वो टाइट कर रहा था। He raised his eyes, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, and looked fearfully at the road. डरते हुए किसकी तरफ देखा, बच्चों की तरफ नहीं देखा, रोड की तरफ। Gleaming in the afternoon heat, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो पैर है वो जल जाएंगे बहुत ही ज्यादा अगर वो रोड पर पैर रखेगा तो। Now चलिए हम इससे पहले एक ये जो है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बेस्ड पैसेज करेंगे हम। सबसे पहले वी विल डू वन टेक्स्ट बेस्ड होता है जो पैसेज गिवन होता है। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम पहले, क्योंकि ये इसी जो अभी हमने स्टार्ट किया है उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम साथ के साथ करते जाएंगे ताकि आपको बाद में बर्डन नहीं पड़े। तो द फर्स्ट वन इज द बैगर ए वन।
जो बैगर है ओपन हिज आइड वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच अदर, जो अभी हमने पढ़ा है कि वो बच्चों की तरफ देखने लगा अपनी आंखें खोलकर और फिर बोलने लगा कि जो औरतें हैं वो बहुत ही ज्यादा जेनरस दयालु है, ये वो वाला पैराग्राफ है। पहले आप पैराग्राफ लिखेंगे, पैसेज लिखेंगे, उसके बाद यू विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर वन बाय वन, फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर देन क्वेश्चन देन आंसर, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द से बैगर से दैट द लेडीज वर काइंड सोल, बैगर ने ऐसा क्यों कहा कि जो लेडीज है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, क्योंकि वो उसे क्या दे रही थी, देवर गिविंग हर हिम फूड, तो राइट इसको ऐसे लिखेंगे द बैगर said that the beggar said that the ladies were kind because they were giving him food to eat, क्योंकि वो उसे क्या दे रही थी, खाना दे रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा जेनरस थी, दयालु थी, काइंड दयालु सोल थी, सोल यानी आत्मा। Who apparently became sad in the above lines? यहाँ पे ऊपर जो लाइन कही गई है उसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है, बैगर है, क्योंकि उसे ही खाना नहीं मिल रहा है। तो the beggar is apparently became sad in the above lines. Now the sea. Why did the beggar gaze at the children? बैगर ने बच्चों की तरफ क्यों घूरा? क्योंकि बच्चों ने उसे कहा था कि वो यहां से चला जाए, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। When Ravi said the beggar to go away, the beggar gazed at the children, इसीलिए बच्चों की तरफ वो घूरने लगा। Now the last one, write the word from the passage which means the same as stare. Stare करना मतलब होता है घूरना, और gaze करना मतलब भी होता है घूरना, तो stared का मतलब हो गया यहां पर gazed, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, आप सबसे पहले ये पैसेज लिखेंगे, क्वेश्चन लिखकर पैसेज लिखेंगे, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। इसी के लिए आपको यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। ओके फाइन, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 23। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।